इजरायली सेना ने ईरानी सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर खलबली मचा दी है। इजरायल की सेना ने हमले को ईरानी सैन्य ठिकानों पर सटीक हमला बताया है। मीडिया खबरों के अनुसार तेहरान, करज समेत कई इलाकों में बम गिराए गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस हमले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। ईरान ने कहा कि इजरायली हमलों में इलम, खुजस्तान और तेहरान प्रांतों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में सीमित क्षति हुई है। इस बीच ईरानी सेना ने भी एक वीडियो जारी कर कहा कि देखिए किस तरह ईरानी डिफेंस सिस्टम ने तेहरान के ऊपर कई प्रक्षेपास्त्रों को मार गिराया। ईरान की सेना ने माना कि इसराइल के हमले में उनके दो सैनिकों की मौत हो गई है। अब ये माना जा रहा है कि ईरान भी जवाब देगा, हमला करेगा। इसराइल ने कहा कि अगर ईरान ने जवाबी हमला किया तो उसे इसका भारी कीमत चुकानी होगी। फिलहाल इसराइल के हवाई हमले के बाद अब ईरान की सरकार नुकसान का आकलन करने में जुटी हुई है। इस हमले को लेकर कई देशों ने प्रतिक्रिया की है। सऊदी अरब ने ईरान पर इजरायली सेना की कार्रवाई की निंदा की है। रियाद ने कहा कि यह तेहरान की संप्रभुता, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और मानदंडों का उल्लंघन है। पाकिस्तान ने कहा कि इस ताजा तनाव और लड़ाई के विस्तार के लिए इजरायल की पूरी तरह से जिम्मेदारी है। पाकिस्तान ने इजरायल के हमले की कड़ी निंदा की है। अमेरिका ने कहा कि ईरान पर इजरायल के हमलों के बाद दोनों शत्रु देशों के बीच प्रत्यक्ष सैन्य हमले बंद हो जाने चाहिए। उसने तेहरान को चेतावनी दी है कि वह इजरायल के खिलाफ कोई जवाबी कार्रवाई न करे।